उन्नाव जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र के ग्राम सिद्धनाथ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काटकर लहूलुहान कर दिया। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे घायल अवस्था में मियांगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सक ने उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बता दें उन्नाव जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताते चले कि आसीवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिद्धनाथ निवासी शिव मोहन पुत्र राम कुमार ने अपने छोटे भाई राम मोहन पुत्र राम कुमार को घरेलू विवाद के चलते कुल्हाड़ी से काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस व परिजनों ने मिलकर घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर पाते ही पूरे गाँव में सन्नाटा पसर गया। मृतक का एक पुत्र कान्हा 3 वर्ष का है। मौत की खबर मिलते ही पत्नी सीता माँ शशि प्रभा का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव से कैमरामैन शेफाली गौतम के साथ राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह थाना आसीवन जनपद उन्नाव के सिद्धनाथ गांव में दो भाइयों शिवमोहन और राममोहन के बीच सहन को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसमें शिवमोहन जो बड़ा भाई है उसने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़े भाई शिवमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके निशादेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।